बड़ी खबर बता दें, साइकिल से जा रहे युवक पर जंगली हाथी ने किया हमला, हालत गंभीर। जनपद बहराइच के कतरनिया घाट वन क्षेत्र में तेंदुए के साथ ही जंगली हाथियों का उत्पात काफी बढ़ गया। साइकिल से भरतापुर गांव जा रहे एक युवक पर हाथी ने हमला कर उसे पटक दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कतरनिया घाट रेंज में भवानीपुर गांव निवासी मुबारक 26 वर्षीय पुत्र लाल मोहम्मद सुबह 7 बजे साइकिल से निजी कार्य के लिए भरतापुर गांव जा रहा था, तभी कतरनिया घाट मार्ग पर गुदूदी के पेड़ के निकट टस्कर हाथी ने उस पर हमला कर दिया। युवक ने साइकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन हाथी ने उसे पैरों तले रौंद डाला। मौके पर पहुंचे राहगीरों ने हाका लगाया, जिसके बाद हाथी उसे छोड़कर जंगल की ओर भागा। वहीं सूचना के बाद वन विभाग व गजमित्रों की टीम मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा हाका लगाकर हाथियों को जंगल की ओर से भगाया गया, जिसके बाद रेंजर राम कुमार द्वारा घायल युवक को इलाज के लिए बिछिया निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए, जहाँ से उसे इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा CHC मोतीपुर भेजा गया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हाथियों के मूवमेंट को बढ़ता देख कर वन विभाग व गजमित्रों की टीम अलर्ट मोड पर है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। इस बारे में विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता जुनेस खान से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैम, आपका क्या घटना हुई यहाँ पर? और अभी तत्काल सूचना मिली थी, मुबारक जो पिता का नाम जो है लाल मोहम्मद है, वो भवानीपुर के रहने वाले हैं। वो अपने निजी काम से भवानीपुर से कतरनिया घाट जा रहे थे, तभी मेन रोड पे उनको जो है हाथियों ने इनको जो है मारा है। अभी हम लोग जो है वहाँ से उनको उठाकर यहाँ निजी चिकित्सक के यहाँ ले आए हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया है। उसके बाद प्राथमिक जांच देखने के बाद इनको CHC में भुआ ले जाएंगे। जो स्थिति वन विभाग कोई मौके पहुँचा हुआ है? रेंजर साहब मौके पर आए हैं, वो भी देख रहे हैं और स्टाफ पूरा साथ में है, और कैसा होता है वो जानकारी आपको। हाथियों का मूवमेंट कुछ बढ़ा हुआ है गाँव की ओर? हाथियों का जो अभी चल रहा है मूवमेंट है, और मैं लोगों से भी सतर्क करना चाहता हूँ कि देख जाते चले कि हाथी हैं सभी।